नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांजन। मैं आ गया मेरा नेक्स्ट वीडियो लेके। आज का जो वीडियो होने वाला है, एक एक्सक्लूसिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि इधर कार के साथ साथ सेकेंड हैंड कार तो आप लोगों को दिखेगा ही, उसके साथ साथ आप लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक, सुपर बाइक्स, सेकेंड हैंड बाइक्स भी दिखने को मिलेगा। एक ही पार्ट में तो ख़त्म कर पाना मुश्किल है। आज मेनली आप लोगों को जो 6-7 गाड़ियाँ हैं सेकेंड हैंड कार्स, बहुत ही अच्छे बजट में आप लोगों को दिखेगा, वो तो एक एक करके दिखाएंगे। उस सब दस से बात करेंगे जो कि F1 इलेक्ट्रिक बाइक का ओनर है, बिजनेस ऑटोमोबाइल का भी ओनर है, तो उनसे तो बात करवाएंगे। उसके बाद एक एक करके गाड़ी देखेंगे, उसके बाद एक हेड्सअप दे देंगे आप लोगों को कि इधर से आप लोग अगर इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाहते हैं जो कि फर्स्ट हैंड, और अगर कोई जैसे वेस्पा या ऐसा कोई स्कूटी या दूसरा कोई मतलब सेकेंड हैंड बाइक्स भी खरीदना चाहते हैं तो उसका प्राइस रेंज कितना होने वाला है ये भी जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करके स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जगह है मानिकतोला में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को गूगल मैप मिल जाएगा। तो आप लोगों को मतलब कोई भी अगर जानकारी है तो दिया हुआ नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिए जो कि उस वक्त का नंबर है। मुझे अगर कोई सजेशन देना है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं उस वक्त से। तो ये है भाईसंस ऑटोमोबाइल, जहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे गाड़ी। आज महालय है, उसके ऊपर है विश्वकर्मा पूजा, तो आप लोगों का शुभ महालय और विश्वकर्मा पूजा का बहुत बहुत मुबारक हो। तो पहला गाड़ी है हम लोगों का टाटा वेंचर, जो कि एक मतलब थोड़ा अनकॉमन गाड़ी है, उतना दिखता नहीं है रोड पे, बट बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसका डिटेल्स आ रहा है और काफ़ी बड़ा भी है। मतलब आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का बड़ा गाड़ी का डिमांड आ रहा था कि आप लोग मतलब 8-seater 9-seater गाड़ी देखना चाहते हैं, तो आज के वीडियो में ऐसा 2-3 गाड़ी दिख जाएगा आप लोगों को। तो पहला गाड़ी है टाटा वेंचर, 2011 का मॉडल है, 21 का टैक्स है। तो इसका हम लोग इंटीरियर भी देखेंगे और उसके बाद जानेंगे इसका प्राइस। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कंडीशन भी मुझे अच्छा ही लग रहा है, और इसका प्राइस होने वाला है सिर्फ 1.75 लाख, जो कि थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है। मतलब प्राइस के हिसाब से देखो तो ये बहुत ही एक मतलब फ़ायदेमंद एक डील होने वाला है। तो इसका जैसे मैंने बोला है कि 8-seater है, मतलब सामने की तरफ दो और पीछे की तरफ, जैसे आप लोग देख रहे हैं अभी, 3-3 जन करके बैठ सकते हैं। मतलब टोटल 8% का मतलब अच्छे से मतलब सीटिंग अरेंजमेंट इसमें है। तो जिन लोगों को बड़ा गाड़ी डिमांड है वो लोग ज़रूर इसको कंसिडर कर सकते हैं। और इसका प्राइस होने वाला है जैसे मैंने बोला है ओनली 1.75 लाख। तो दिया हुआ नंबर पे जो कि है उस हफ्ता का नंबर, अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर कॉल करके बात कर लीजिए। नेक्स्ट गाड़ी है फोर्ड का इको स्पोर्ट, जो कि बहुत ही एक हिट मॉडल है, बहुत मतलब बहुत सारे लोगों का पसंद भी है। फोर्ड इको स्पोर्ट 2013 का मॉडल है, 23 तक इसका टैक्स है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये है टाइटेनियम वेरिएंट, जो कि टॉप मॉडल होता है फोर्ड में, तो मतलब इसमें फीचर्स से भरा हुआ मिलेगा आप लोगों को। तो एकदम मतलब वाइट कलर में है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा भी दिखने में लग रहा है ओवरऑल। और मतलब साइड मिरर, ORVM, फुल्ली लोडेड कार है, एकदम साउंड सिस्टम सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। एक बार इंटीरियर भी दिखा देते हैं। तो ये है इसका इंटीरियर, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, सेंटर लॉक सब कुछ मिल जाएगा। एक बार आप लोगों को और भी करीब से दिखा देंगे और उसके बाद जानते हैं इसका प्राइस। तो इसका प्राइस होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 4,25,000 रुपये, मतलब 4.25 लाख। तो गाड़ी के कंडीशन के हिसाब से, गाड़ी का जो वेरिएंट है एकदम टॉप मॉडल है उसके हिसाब से, और उसके ऊपर डीजल इंजन है, तो इसका माइलेज भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो उस हिसाब से देखें, हर एक फीचर्स, हर एक कंफर्ट के एंगल से देखें, तो मुझे तो ये डील बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, और कोई भी अगर जानकारी लेना हो तो दिया हुआ नंबर पर ज़रूर कॉल कीजिए।
तो नेक्स्ट गाड़ी पे चलते हैं जो कि है होंडा सिटी। बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है सिल्वर कलर में, पर फ्रंट बम्पर में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डेंट और स्क्रैचेस है थोड़ा बहुत। तो ये मैंने उस उद्दे से बात कर लिया था, तो कोई भी कस्टमर इसको लेने के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो डिलीवरी के पहले ये टचअप होके एकदम कंप्लीट होके आएगा, तो उसके बाद कोई डेंट स्क्रैच वगैरह ये सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। एकदम कंप्लीट आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर एक होंडा सिटी अल्टीमेटली मिलेगा। तो थोड़ा बहुत जो ये है तो ये टचअप हो जाएगा। डिटेल्स आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, 2014 मॉडल है, 24 तक ये टैक्स पे किया हुआ है, तो और भी 4 साल टैक्स का कोई चिंता नहीं है। डीजल वेरिएंट है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इंटीरियर भी बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है। पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, सेंट्रल लॉक, साइड मिरर, ओवर VM, मतलब सब कुछ इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ मतलब नेसेसरी चीज़ है इसमें, और बहुत ही अच्छा भी दिखने में लग रहा है। और इसका प्राइस होने वाला है सिर्फ 4,85,000 रुपये, मतलब 4.85 लैक्स। तो प्राइस के हिसाब से देखें तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक डील है। एक बार बैक सीट व्यू भी दिखा देते हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है दिखने में, और प्राइस भी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है ही। तो आप अगर आप लोगों को होंडा सिटी पसंद है तो ज़रूर ये गाड़ी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट गाड़ी की ओर, जो कि और एक होंडा का गाड़ी होने वाला है। ये है होंडा जैज़, जो सेकेंड हैंड मार्केट में उतना दिखता नहीं है, मतलब मुझे तो उतना दिखा नहीं अभी तक, पर ये एक वाइट मॉडल एक होंडा जैज़ है जो कि 2015 का गाड़ी है। तो ओनली सिर्फ 5 साल पुराना ही है, वाइट कलर में है, बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है। मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कार है ये होंडा जैज़। तो इसका लुक भी बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, और इसका जो कलर वाइट कलर और मेरून कलर जो होते हैं वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे इसका वाइट कलर है तो ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है। एक बार फ्रंट व्यू भी आप लोगों को और एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को इंटीरियर। तो इसमें भी आप लोगों को पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो ये सब मिल जाएगा एसी के साथ। अगर आप लोग क्लोजली देखें तो इधर पता चला है कि ऑडियो सिस्टम अभी तक नहीं है, पर गाड़ी लेने से पहले मतलब बुक करने के बाद उस शब्द से जैसे मुझे बात हुआ तो ये लोग ऑडियो सिस्टम भी ये लोग इंस्टॉल करवा के उसके बाद ही देंगे, तो उसका भी झमेला ख़त्म। तो ये इसका प्राइस है सिर्फ 3,80,000 रुपये। तो उस हिसाब से देखें तो प्राइस इन लोगों का बहुत ही अच्छा है, जो मैंने पहले भी बोला था प्राइसिंग बहुत ही इन लोगों ने जो कि रखा है रीज़नेबल रखा है, मॉडरेट रखा है, ताकि लोगों के लिए आसानी हो परचेस करना। तो ये बहुत ही स्पेशियस एक गाड़ी है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बूट स्पेस भी बहुत ही ज़्यादा है। एक बार बैक सीट व्यू भी आप लोग को दिखा देते हैं, और प्राइस है सिर्फ जैसा कि मैंने बोला है 3.80 लैक्स। तो ये गाड़ी आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो दिया हुआ नंबर पे ज़रूर कॉल करके बात कर लीजिए। ये लोकेशन है मानिकतला गौड़पार के पास, आके ज़रूर ये गाड़ी आप लोग देख सकते हैं, डील कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट गाड़ी पे आ जाते हैं जो कि है शेवरोले स्पार्क। इसमें भी आप लोगों को थोड़ा बहुत डेंट दिखने को मिल जाएगा जो टचअप में ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। गाड़ी तो वैसे बहुत ही गुड लुकिंग है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये LT पेट्रोल वेरिएंट है। तो इसमें भी पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, AC वगैरह, म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, बैक वाइपर भी है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, साइड से भी साइड एंगल से भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और इसके बाद दिखाएंगे आप लोगों को इंटीरियर, और उसके बाद जानेंगे इसका प्राइस, जो कि आप लोग थंबनेल देख के थोड़ा गेस कर चुके हैं कि इसका ही प्राइस होने वाला है, वो धमाकेदार प्राइस जो कि आप लोगों को आज मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 85,000 रुपीज़ में। हाँ, 85,000 रुपीज़ में आप लोगों को मिल जाएगा शेवरोले स्पार्क पेट्रोल गाड़ी, और एक अच्छा कंडीशन में। और अगर आप लोग चाहते हैं कि टचअप करके एकदम कंप्लीट होके आप लोगों के पास आए, तो और ज़्यादा अगर 4-5 हज़ार रुपये आप लोग देना चाहते हैं तो 90,000 दे के आप लोग एक कंप्लीट मतलब जो भी डेंट स्क्रैचेस वगैरह हैं ये लोग ठीक करके आप लोगों को दे देंगे। तो ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग ये देख सकते हैं। तो NOC सब गाड़ी के लिए पॉसिबल है, 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा है,
और अगर EMI फिनेंस का बात करें तो ये उस हद से जैसा मेरा बात हुआ था कि 4 लाख अबव गाड़ी के लिए सिर्फ फिनेंस अवेलेबल है इधर, बाकी कैश और कार्ड में आप लोग खरीद सकते हैं। तो गाड़ी ओवरऑल बहुत ही फ्रेश कंडीशन में है जैसा कि मुझे दिख रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को और प्राइसिंग कैसा है। आ जाते हैं लास्ट गाड़ी पे जो कि होने वाला है फोर्स का एक गाड़ी। जैसे आप लोग मैक्सिमम मतलब रोड पे दिखते हैं फोर्स ट्रैवलर जो कि पॉपुलर है, 11 सीटर, 13 सीटर, 20 सीटर ऐसा होता है। ये है फोर्स वन, फोर्स मोटर का वन। ये भी एक स्पेशियस गाड़ी है, 7-8 सीटर है। तो ये भी A6 वेरिएंट में मिल जाएगा आप लोगों को, बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है, वाइट कलर में, स्पेशियस गाड़ी है, बड़ा गाड़ी है, एक डीजल गाड़ी है, तो इसका माइलेज भी अच्छा होने वाला है। उतना भी पुराना नहीं है, सिर्फ 2015 मॉडल है, तो और भी बहुत साल ये चलेगा। तो ये गाड़ी आप लोग ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है। तो इसके बाद इसका इंटीरियर भी देखेंगे और उसके बाद जानेंगे इसका प्राइस। तो इस गाड़ी में भी आप लोगों को मिल जाएगा पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, सेंट्रल लॉक, एयर बैग्स, सब बेसिक चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें मौजूद है। और इसके साथ ये फ्रेश कंडीशन में मुझे दिख रहा है और इसका प्राइस होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 4.5 लाख रुपए, जो कि थोड़ा बहुत नेगोशिएबल भी है। तो ऑल इंक्लूडिंग अगर जिन लोगों को मतलब बड़ा गाड़ी देखना चाह रहे थे, मतलब लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा डील होने वाला है। प्राइस रेंज के हिसाब से इन लोगों का गाड़ी जो है, तो मुझे तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। तो इन लोगों का नेक्स्ट जो स्टॉक आने वाला है उसमें भी मैं आ जाऊंगा वो वीडियो करने के लिए। तो एक बार पीछे से भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये कितना स्पेशियस है, 7-8 लोग तो आराम से बैठ जाएंगे इसमें। और इसका प्राइसिंग अगर देखें तो प्राइसिंग्स के हिसाब से तो ये बहुत ही एक जस्टिफाइड गाड़ी है। तो एक बार इसका प्राइस और एक बार देख लेते हैं जो कि है 4.5 लाख रुपए। तो मेरे हिसाब से ये है आज का बेस्ट डील। तो आप लोगों को अगर कोई भी गाड़ी पसंद आए तो दिया हुआ नंबर पे ज़रूर कॉल कर लीजिए, मुझे अगर कुछ बोलना है तो सजेशंस बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए। तो ये था कुछ फोर व्हीलर्स जो अभी हम लोगों ने देखे। अभी बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं स्कूटी बाइक्स के लिए भी, तो आज थोड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटी दिखाएंगे, मतलब ये जो नेक्स्ट जनरेशन मतलब फोर व्हीलर भी इलेक्ट्रिक में आएगा कुछ सालों बाद। तो अभी स्कूटी का मेनली डिमांड है इलेक्ट्रिक में। तो ये है कुछ हीरो इलेक्ट्रिक फर्स्ट हैंड स्कूटी, एकदम न्यू कंडीशन, एकदम न्यू बाइक है, बिल आपके ही नाम से होगा। तो ये सब जो स्कूटी है ये हीरो का है और स्टार्टिंग इसका प्राइस होने वाला है 45-46 थाउजेंड ऐसा। और एक जो ये सब जो स्कूटी देख रहे हैं इन इस सब का प्राइस है 70,000। तो अगर आप लोगों को कोई भी स्कूटी अगर लेने का मन करे तो उस शब्द को कॉल करें, बात कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।